अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील खान। और दोस्तों ये हमारा तीसरा वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूज़र का ईमेल वेरीफाई करेंगे। अगर मैं क्लिक करूँ कन्फर्म ईमेल लिंक पे, तो यहाँ पर हमारे पास है कन्फर्म डॉट पी एच पी, और ये फाइल ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है। और फिर हमारे पास एक क्वेरी स्ट्रिंग है कन्फर्मेशन। तो मैं जाता हूँ वीएस कोड में, अब क्लासेस के अंदर एक न्यू फाइल मैं क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर न्यू फाइल वेरीफाई डॉट पी एच पी, यहाँ पर स्टार्ट पी एच पी, क्लोज पी एच पी, क्लास वेरीफाई पब्लिक फंक्शन ईमेल वेरीफाई। इसके अंदर एक्चुअली एप सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, क्योंकि हमारे पास एक क्यूरी स्ट्रिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ये कन्फर्मेशन हमारे पास एक क्यूरी स्ट्रिंग है, और क्यूरी स्ट्रिंग को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉलर अंडरस्कोर गेट। तो यहाँ पर सिंपली मैं लगाता हूँ क्यूरी स्ट्रिंग वेरीफिकेशन। लेट्स चेक कन्फर्मेशन, एक्चुअली नॉट वेरीफिकेशन, कन्फर्मेशन। अगर ये सेट हो देन सिंपली कोड वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर गेट एंड नाउ कन्फर्मेशन। अब दोस्तों अगर ये सेट हो देन आई वांट टू चेक दिस कोड एंड द डेटाबेस एज वेल, कि आया ये कोड डेटाबेस में मौजूद है कि नहीं। यहाँ पर ये कोड यहाँ पर हमने देखना है। तो सैम्पली अब यहाँ पर हमने चलाना है सेलेक्ट क्यूरी। तो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक्सटेंड करता हूँ क्यूरीज क्लास को, ठीक है। और अब यहाँ पर एफ डॉलर दिस एंड हमने कॉल करना है क्यूरी मेथड को। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऊपर हमारे पास है ये मेथड क्यूरी मेथड। अब इस मेथड को मैं कॉल करता तो सिंपली डॉलर दिस एंड फिर मेथड का नेम क्यूरी पर सेलेक्ट कोड कॉलम। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली ये कॉलम, ये कोड कॉलम फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर कोड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कॉमा एरे एंड यहाँ पर कोड डॉलर कोड, यानी ये वाला, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये कोड, ठीक है। तो अब यहाँ पर सैम्पली बॉडी एंड नाउ यहाँ पर हमने काउंट करना है नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर एफ डॉलर दिस एंड नाउ वी हैव अ मेथड एक्चुअली दिस मेथड काउंट। तो ये नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा यूजर्स टेबल के। तो यहाँ पर सिंपली काउंट, अगर ये इक्वल हो वन का तो इसका मतलब ये है कि कोड बिल्कुल मौजूद है यूजर्स टेबल में। तो यहाँ पर आई वांट टू एक्सेस द यूजर आईडी, यानी जहाँ पर कोड मौजूद है उस यूज़र का आईडी, यानी ये वाला आईडी, ठीक ये वाला, इसमें से या वन या 18 कोई भी हो सकता है। तो सिंपली वी हैव टू क्रिएट अ मेथड इनसाइड द क्यूरी क्यूरीज क्लास। तो यहाँ पर सिंपली फेच अ सिंगल रो पब्लिक फंक्शन जस्ट पिच एंड नाउ डॉलर दिस एंड नाउ रिजल्ट एंड नाउ फिच एंड मैं डेटा को फिच करता हूँ इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। यहाँ से मैं फास्ट करता हूँ पी डी ओ फिच ओ बी जे एंड इस तरह, ठीक है, फिच ओ बी जे एंड यहाँ से सिंपली रिटर्न दैट सेट। अब इस मेथड को मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पर सिंपली रो इक्वल टू डॉलर दिस फिच और या फिर यूजर आईडी इक्वल टू अब रो
ये रो एरे और यहाँ से सिंपली एरो एंड नाउ कॉलम का नेम आईडी, यानी ये कॉलम ठीक है, आईडी वाला। अब या फॉर एफ, अब हमने करना है अपडेट, यानी यूजर का जो था स्टेटस वो हमारे पास था ज़ीरो, अब इसको हमने वन कर रहे थे। यहाँ पर सिंपली हमने करना है स्टेटस इक्वल टू वन, एंड या फॉर बॉडी डॉलर दिस क्यूरी अपडेट यूजर्स टेबल सेट कोड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वी आर आई डी, यानी यूजर का आई डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या फॉर कामा या फॉर एरे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पास करना है ये स्टेटस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ये कोड, आई थिंक कोड नहीं स्टेटस एक्चुअली, सॉरी अबाउट दैट स्टेटस, क्योंकि हमने स्टेटस को अपडेट करना है, यानी ये वाला, यानी ये स्टेटस। अब ये हमारे पास ज़ीरो है, तो अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर स्टेटस, अब इसको हमने किया यहाँ पर वन, एंड वेयर आई डी यहाँ पर सिंपली कॉमा एंड नाउ यूज़र आई डी, यानी ये वाला। अब अगर कोड ने काम किया देन सिंपली डॉलर अंडरस्कोर सेशन ईमेल वेरीफाइड योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली प्लीज लॉगिन हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट पी एच पी। अब दोस्तों अब वेरीफाई क्लास को हमने इंस्टॉल ऐड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं इंक्लूड करता हूँ इंक में, तो यहाँ पर सिंपली इंक्लूड क्लासेस एंड नाउ वी हैव वेरीफाई डॉट पी एच पी। यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ, नाउ गो टू कन्फर्म एंड यहाँ पर स्टार्ट पी एच पी क्लोज पी एच पी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंक्लूड एंक डॉट पी एच पी। नाउ मैं इंस्टॉल एड करता हूँ वेरीफाई को, न्यू वेरीफाई। अब वेरीफाई हमारे पास था एक मेथड वेरीफाई के अंदर ईमेल वेरीफाई, अब इसको मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पर कॉल किया दैट्स इट। एंड नाउ लेट्स गो टू लॉगिन एंड या फिर जो हमारे पास था सेशन, यानी ये कोड ये वाला एपिसोड दिस सेशन, इसको मैं कॉपी करता हूँ कॉफी एंड या फॉर एक कमेंट में ऐड करता हूँ यूज़र अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। और अब मैं कॉपी करता हूँ सेशन का नेम ये वाला ईमेल वेरीफाइड, ऐसे कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट पेस्ट यहाँ पर पेस्ट पेस्ट सेव द फाइल एंड नाउ अगेन गो टू वेरीफाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोड मैं रिव्यू करता हूँ, सेलेक्ट कोड फ्रॉम यूजर्स वी आर कोड इक्वल टू दिस कोड एंड नाउ फेच अ सिंगल रो देन फेच द यूजर आई डी एंड नाउ डॉलर दिस क्यूरी अपडेट यूजर्स सेट स्टेटस कॉलम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वी आर आई डी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस ऊपर हमने किया था वन एंड आई डी हमारे पास था ये वाला एंड नाउ सेट अ सेशन एंड सेट दिस मैसेज एंड नाउ रीडायरेक्ट यूजर टू यू लॉग इन डॉट पी एच पी। लेट्स गो टू द ब्राउजर क्लोज अप एंड नाउ गो टू जीमेल क्लिक कॉन्फर्म ईमेल। यहाँ पर हमारे पास आ गया योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली प्लीज़ लॉग इन। अब मैं जाता हूँ
हाँ डेटाबेस में, और मैं क्लिक करता हूँ ब्राउज पे। एक्चुअली ये तो नहीं हुआ, वाई, लेट्स चेक अगेन। अपडेट यूजर्स टेबल फियर, अपडेट यूजर्स टेबल सेट स्टेटस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फियर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टेटस मैंने किया था वन, यहाँ पर एरे स्टेटस, स्टेटस पाइन। अपडेट यूजर्स सेट, कोड तो बिल्कुल ठीक है, कंफर्म कंफर्मेशन कंफर्मेशन, कोड सेलेक्ट कोड फ्रॉम यूजर्स वेयर कोड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड ये वाला सॉरी अबाउट दैट गाइस, यहाँ पर मैंने किया था जस्ट कोड, यहाँ पर मैं करता हूँ ऑल, क्योंकि ये क्यूरी जस्ट हमें हमें रिटर्न कर रहा था जस्ट कोड कॉलम, और यहाँ पर मैं एक्सेस कर रहा था आईडी एज वेल, तो इसलिए हमारे पास इशू था। अब अगर इसको मैं क्लोज करूँ, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ अगेन, या अब अगर यहाँ पर मैं आऊँ यहाँ पर ब्राउज, या यहाँ पर देखे ना हमारे पास आ गया वन, यहाँ पर देखे ना हमारे पास आ गया बिल्कुल वन सक्सेसफुली। दोस्तों अब हमने करना है लॉग इन यूज़र को, ठीक है, ये तो हो गया, रिफ्रेश करूँ, परफेक्ट। अब हमने करना है लॉग इन, तो सैम्पली क्लोज ऑफ क्लोज ऑफ क्लोज ऑफ, एंड यहाँ पर हमने एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टांस ऐड करना है, वैलिडेशन इक्वल टू न्यू वैलिडेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द स्पेलिंग वैलिडेशन, या एंड नाउ या फॉर क्यूरीज न्यू क्यूरीज एंड सिंपली एफ सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। अब बटन का नेम किया था, इसको मैं क्लोज करता हूँ, नेम हमारे पास था या फॉर रजिस्टर, इसको मैं करता हूँ जस्ट लॉग इन, यहाँ पर लॉग इन। अब अगर ये किसी ने क्लिक किया हो बटन पे, तो फिर हमारे पास थे हमारे पास है नेम पासवर्ड जस्ट, तो मैं करता हूँ वैलिडेशन, तो यहाँ पर सिंपली वैलिडेशन, फिर हमारे पास था मेथड किया वैलिडेट, से मैं पास करता हूँ ईमेल, फिर हमारे पास होगा प्लेस होल्डर ईमेल ईमेल, फिर हमारे पास होगा सॉरी अबाउट दैट रिक्वायर्ड रूल रिक्वायर्ड यस, फिर हमारे पास है वैलिडेशन अगेन वैलिडेट पासवर्ड पासवर्ड जस्ट रिक्वायर्ड एफ डॉलर दिस रन सॉरी अबाउट दैट अगेन, फिर यहाँ पर ईमेल इक्वल टू डॉलर दिस, हमने कॉल करना इनपुट को, आपको पता होगा ऑलरेडी इनपुट का, यानी ये वाला ये मेथड, इससे हमने फास्ट करना है ईमेल फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर यहाँ पर होगा पासवर्ड इक्वल टू डॉलर दिस
and foot. Yeah, cool, perfect. अब नीचे यहाँ पर मैं एरर्स को डिस्प्ले करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सिंपली मैं जाता हूँ रजिस्टर में, लॉगिन में, और वहाँ से मैं कॉपी करता ताकि हमारा टाइम बच जाए. ऐसे कॉपी एंड पर पेस्ट. ईमेल हमारे पास है, परफेक्ट. नीचे पासवर्ड के लिए इसको मैं करता हूँ पासवर्ड. और वैल्यूज को भी मैं सेट करता हूँ, तो सिंपली अगेन गो टू इंडेक्स एंड आई एम गोइंग टू कॉपी वैल्यू, दिस वैल्यू एंड फॉर द ईमेल जस्ट एड हियर. यहाँ पर ईमेल, ठीक है सब कुछ. मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पर रिफ्रेश क्लिक. क्या मसला है, वैलिडेशंस. इसको मैं करता हूँ अन कमेंट इस चीज़ को, एरर रिपोर्टिंग को. और यहाँ पर क्या मसला है, यूजिंग डॉलर दिस कॉन्टेक्स्ट लॉगिन डॉट पीएचपी लाइन नंबर 10. लाइन नंबर 10 एक्चुअली. यस, यहाँ पर यार ये मैं गलत कर रहा था. वैलिडेशन 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 अनकमेंट. रिफ्रेश. अगेन इश्यूज है. लाइन नंबर 10 स्पेलिंग मिस्टेक है. लाइन नंबर 10 यहाँ पर वैलिडेशन. लेट्स ट्राई वन मोर टाइम. परफेक्ट. अब इसको मैं करता हूँ या फॉर अन कमेंट. लेट्स से कोई ईमेल शकील एट द रेट ऑफ gmail.com. या कूल, परफेक्ट. इसको यहाँ पर मैं आता हूँ और या फॉर सिंपली एफ डॉलर क्यूरीज एंड नाउ मैं कॉल करता हूँ क्यूरी मेथड को. यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर कॉमा एरे ईमेल एंड नाउ आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ रोज. यहाँ पर अगेन एफ एफ डॉलर क्यूरीज. यहाँ पर काउंट एफ ग्रेटर देन जीरो दैट्स मीन ईमेल एज अ पाउंड. देन आई वांट टू फेच अ सिंगल रो. तो यहाँ पर सिंपली रो इक्वल टू डॉलर क्यूरीज. और अभी एक मेथड मैंने क्रिएट किया था जस्ट पिच, तो ये सिंगल रो को पिच करेगा. एंड नाउ आई वांट टू एक्सेस यूज़र आईडी इक्वल टू रो. यहाँ पर आईडी कॉलम फिर डीबी पासवर्ड वेरिएबल इक्वल टू. नो आई वांट टू पिच पासवर्ड फ्रॉम द यूज़र्स टेबल. यहाँ पर रो एंड यहाँ पर कॉलम का नाम. यहाँ पर पासवर्ड कॉलम, ठीक है जी. ये कॉलम हमारे पास है टेबल में, ठीक है. एंड नाउ वी हैव टू मैच दिस पासवर्ड एंड दिस पासवर्ड. सो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैच ना हो देन सिंपली वी हैव टू डिस्प्ले एरर एंड डॉलर दिस. एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू
हमारे पास था एरर्स एरे एंड हमारे पास था फील्ड का नेम किया ईमेल इक्वल टू सॉरी एंड वैलिड ईमेल। ठीक है लेट्स ट्राई कि आया कोड ठीक है कि नहीं। बिल्कुल गलत है ये दलर्तिस नहीं है ये है वैलिडेशन ये मैं बार बार कर रहा हूँ लेकिन यार क्या कर रहे इस तरह सॉरी एनवेलेट ईमेल। अब लेट्स से अगर यहाँ पर मैं दियू ये ईमेल शकील खान ब्लॉगर कूल परफेक्ट एंड वी हैव टू ऐड एफओ पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई। पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई हमारे पास एक फंक्शन है बेल्ट इन पीएचपी में और ये हमारे पास हैश पासवर्ड को वेरीफाई करता है इस पासवर्ड के साथ। तो यहाँ पर हमने ऐड करना है डीबी पासवर्ड और यहाँ पर हमने ऐड करना है जस्ट पासवर्ड जो ऊपर हमारे पास है यहाँ पर सैम्पली अगर मैच हो ठीक है अदरवाइज गो टू एल्स एंड नाउ वैलिडेशन एरर्स एरे एंड नाउ वी हैव पासवर्ड फील्ड सॉरी एंड वैलिड पासवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई यहाँ पर रिफ्रेश लेट्स से 1 2 3 सॉरी एनवेलेट ईमेल वैलिडेशन एरर शकील खान ब्लॉगर क्या हो रहा है यार वैलिडेशन एरर्स पासवर्ड सॉरी एनवेलेट पासवर्ड तो ये वाला आ गया शकील खान ब्लॉगर @gmail.com यहाँ पर कोई पासवर्ड अब ठीक हो गया यार पता नहीं क्या मसला कभी कभार आता है। ठीक है एंड नाउ लेट्स से वॉलेट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक 7 था लेट्स ट्राई ए या 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं भूल गया हूँ एक्चुअली मैं भूल गया हूँ लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देना है या हमने ये देना है ये मैं चेक करता हूँ मैं सब कुछ भूल गया हूँ एक्चुअली google.com एंड या फॉर पीएचपी पासवर्ड वेरीफाई ओपन इन अ न्यू टैब किस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पासवर्ड फिर हमारे पास है हैश पासवर्ड आई थिंक मैंने गलत दिया था यस बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास है पासवर्ड और यहाँ पर हमारे पास है हैश पासवर्ड यानी डीबी वाला पासवर्ड अब अगर मैं कर दूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 यस अब ठीक है बिल्कुल तो यहाँ पर सिंपली अगर सब कुछ ठीक हो पासवर्ड बिल्कुल ठीक हो देन वी हैव टू सेट अ सेशन आईडी इक्वल टू इसको मैं सेंड करता हूँ यूज़र आईडी नाउ हेडर लोकेशन
profile dot php. And yeah, for either ka name b mein display karta hu, to yahan par simply user name equal to row full name. And yeah, for dollar underscore session user name equal to dollar this nahi yaar, upar hamare paas kya tha user name jo abhi maine access kiya, maine isan kiya hu. Ek kaam karta hu, yahan par charge khatam ho raha hai to main charge lagata hu. चार्ज लगा दिया, ठीक है. अब हमने क्रिएट करना है प्रोफाइल डॉट पी एच पी. तो सैम्पलिंग इन द मेन डायरेक्टरी सैम्पली प्रोफाइल डॉट पी एच पी एच टी एम एल बॉयलर प्लेट. एंड यहाँ पर प्रोफाइल, यहाँ पर मैं करता हूँ इंक्लूड Include and the components we have styles.css फिर यहाँ पर start php, यहाँ पर include and the components nav.php. अब दोस्तों मैं जाता हूँ components में, यहाँ पर nav. लेट्स से अगर हमारे फर्स्ट यूजर लॉग इन हो, देन मैं हाइड करता हूँ इन दोनों लिंक्स को. यहाँ पर सिंपली स्टार्ट पीएचपी क्लोज पीएचपी एफ सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूजर आईडी अगर ये सेट हो, एंड यहाँ पर भी क्लोज पीएचपी. And if simply अगर ये सेट हो, then I want to copy this one, paste it here, and simply we have to add log out. And यहाँ पर log out, and now start PHP, close PHP, else. And now simply copy this code from here, paste it here simply. हो गया. सो नाउ लेट्स रन, क्या होता है. रिफ्रेश वन टाइम. शकील खान ब्लॉगर एट द रेट ऑफ gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8. या हमारे पास आगे यहाँ पर लॉग इन, यहाँ पर रजिस्टर अगेन है. ये क्यों क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली सेशन है नहीं. यहाँ पर स्टार्ट पीएचपी इंक्लूड एंक नाउ रिप्रेश लाइक दिस लॉग आउट. अब दोस्त यहाँ पर एक्चुअली हमने ऐड करना है क्या, यहाँ पर हमने ऐड करना है एक जम्बोट्रॉन एक्चुअली. लेकिन जम्बोट्रॉन से पहले हमने लॉग आउट भी करना है. तो यहाँ पर सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोइंग टू क्रिएट लॉग आउट. out dot php start php session start हमने start करना है, और फिर session को हमने करना है destroy यानी delete करना है destroy. and now header user को हमने करना है location login dot php में हमने करना है redirect php.
यार गर्मी बहुत ज़्यादा है. सेव द फाइल एंड नाउ गो टू प्रोफाइल. अब दोस्तों अगर हमारे पास सेशन सीट ना हो तो ये प्रोफाइल डॉट पी एच पी हमें एक्सेसिबल नहीं होगा. तो यहाँ पर स्टार्ट पी एच पी एफ नॉट सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूज़र आईडी, अगर ये सेट ना हो देन एंड एफ देन सिंपली हेडर लोकेशन लागे डॉट पी एच पी इस तरह. इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ. अब जाता हूँ लॉगिन पे. अगर यह पर अगर सीट हो यहाँ पर मैं लगाता हूँ अगर सीट हो. यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ स्टार्ट पी एच पी. यहाँ से भी अगर हमारे पास सीट हो देन यूज़र रिडायरेक्ट करो टू प्रोफाइल डॉट पी एच पी. यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इंडेक्स ऊपर जाता हूँ. यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ. यस क्लोज क्लोज क्लोज. अब एक्चुअली हमारे पास होगा प्रोफाइल में एक जंबो ट्रांसेक्शन या फिर डॉट जम 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 बोट्रॉन. यहाँ पर होगा एच वन हेलो. यहाँ पर डॉट यहाँ पर स्टार्ट पी एच पी क्लोज पी एच पी एको डॉलर अंडरस्कोर सेशन इस तरह यूजर नेम सेशन. ये स्पेलिंग ठीक है क्या? नहीं यार क्या हो रहा है से ये गलत है. इस तरह होना चाहिए सेशन डॉलर अंडरस्कोर रिफ्रेश या इस तरह. अब ये जम्बोट्रॉन हमने थोड़ा सा इसको हमने हाइट देना है यानी कंप्लीट ब्रदर बैंड को हमने हमने कवर करना है. तो यहाँ पर सिंपली आई एम गोइंग टू एड अ क्लास JUMB जम्बो. लेट्स गो टू एसेट्स सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस. एंड लॉगिन पर एक चीज़ मैं भूल गया हूँ कि हम करेंगे वो चीज़ एक्चुअली मेरा जहन में अब आ गया. यहाँ पर हाइट हमें देना है 1 VH इस तरह. ठीक है अब इससे हमने डिलीट करना है ये नेव बार. यहाँ पर एक्चुअली कैल्क सो वी एच से माइनस करो माइनस 65 पिक्सल. अरे काम नहीं किया है थैंक वाई सेमी कॉलोन यहाँ पर था इस तरह. खैर यहाँ पर फिर भी है लेकिन ये फाइन है. ठीक है ये बिल्कुल ठीक है. एंड नाउ मैं एक चीज़ भूल गया था लॉगिन पे वो ये था कि या फिर हमने स्टेटस को भी चेक करना है. वो तो मैं भूल गया था. ये अगर ये हमारे पास नंबर अप्रोच 0 हो ग्रेटर देन 0 हो फाइन देन वी हैव टू चेक द यूजर स्टेटस एज वेल. तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वी आर ईमेल इक्वल टू दिस वन एंड नाउ यहाँ पर एक्चुअली और यहाँ पर एफ डॉलर क्यूरीज क्यूरी
नो, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं यार। यहाँ पर एक्चुअली स्टेटस इक्वल टू रो स्टेटस, अब यहाँ पर एफ स्टेटस अगर हमारे पास हो 0, देन सिंपली दिस वन एंड नॉट गो टू एल्स। अब ये एल्स हमने क्लोज करना है यहाँ पर इस तरह, देन सिंपली यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर सेशन नॉट वेरीफाइड, एंड सिंपली प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एंड ट्राई अगेन। हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट पी एच पी सिंपली, सो गो टू वेयर। एक्चुअली ये तो हमने नहीं करना है क्योंकि हम ऑलरेडी मौजूद है लॉगिन पे, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और सिंपली इस मैसेज को हमने डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर सिंपली कहाँ पर है यार ये वाला, कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, और जो ऊपर हमारे पास था सेशन ये वाला नॉट वेरीफाइड। अब यहाँ पर नीचे मैं करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर बी एंड यहाँ पर बी। अब दोस्तों मैं काम करता हूँ, एक्चुअली इसको मैं क्लोज करता हूँ और इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट करता हूँ और मैं न्यू अकाउंट दोबारा बनाता हूँ। मैं जाता हूँ जीमेल पे फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर रजिस्टर शकील खान ब्लॉगर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 रजिस्टर, यहाँ पर ये कौन सा ईमेल है यार, ब्लॉगर पे मैंने लॉगिन करना है, न्यू ईमेल आ गया है ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ कि मैं लॉग इन करता हूँ कि क्या होता है ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ डेटा लोडिंग, एक्चुअली इतना लोडिंग करते कभी कभार कि इंसान को गुस्सा आ जाता है, या यहाँ पर ये आ गया है यस 0 स्टेटस है ये वाला। लेट से मैं लॉग इन करता हूँ शकील खान ब्लॉगर एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एंड ट्राई अगेन, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एंड ट्राई अगेन। सो नाउ लेट्स गो टू जीमेल, क्लिक ऑन दिस वन, कन्फर्म ईमेल, यस हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं कर दूँ शाकिल खान ब्लॉगर एट द रेट ऑफ gmail.com एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, या दैट्स इट, कूल, वेरी वेरी परफेक्ट, वी हैव शकील खान। दोस्तों आई थिंक हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट है। अब यहाँ पर एक चीज़ बाकी है आई थिंक, वो ये है कि अगर मैं जाऊँ
एंक पे यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइल्स है ये वाले, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं यूज़ करूँ एस पी एल ऑटो लोड तो मेरे ख्याल में वो हमारे लिए ठीक रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास क्लास का नेम और फाइल का नेम हमारे पास बिल्कुल सेम होगा, और मैंने बिल्कुल उसी तरह मैंने किया है। हमारे पास क्लास का नेम और फाइल का नेम बिल्कुल हमारे पास सेम है, तो आपके पास भी क्लास का नेम और फाइल का नेम आपके पास सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं करता हूँ एस पी एल ऑटो लोड रजिस्टर, यहाँ पर होगा एक फंक्शन, ये हमसे लेगा क्लास नेम और यहाँ पर सिंपली इंक्लूड क्लासेस के अंदर क्या क्लास नेम डॉट पी एच पी। इस कोड को मैं डिलीट करता हूँ ऊपर वाला। अब मैं दोबारा करता हूँ लॉगआउट, ईमेल को मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, और या फिर इस रिकॉर्ड को भी मैं डिलीट करता हूँ, और मैं दोबारा से करता हूँ ताकि हम चेक कर सके अपना कोड अगेन। यहाँ पर रजिस्टर एरर स्पाइन शकील खान ब्लॉगर Gmail 1 2 3 4 5 6 7 8 register yeah fine cool let's say Shakil Khan blogger at the rate of gmail.com and password something। यहाँ पर देखिए ना हमारे पास क्या है, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एंड ट्राई अगेन। सो नाउ लेट्स गो टू जीमेल, क्लिक ऑन इट, कन्फर्म ईमेल, कूल। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर लेट्स से करेक्ट ईमेल शकील खान ब्लॉगर एट द रेट ऑफ gmail.com एंड रॉन्ग पासवर्ड 1 2 3 या वी हैव सॉरी अनवैलिड पासवर्ड कूल। And now 1 2 3 4 5 6 7 8 login cool we have dashboard hello Shakil Khan and ऊपर हमारे पास है लॉग आउट। अब लेट्स से अगर ऊपर मैं यहाँ पर एक्सेस करूँ लॉग इन डॉट पी एच पी, यहाँ पर देखे ना हमारे पास दोबारा आ गया प्रोफाइल, लेट्स से इंडेक्स डॉट पी एच पी कूल, यहाँ पर लॉग आउट। एंड यहाँ पर लेट्स से अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ प्रोफाइल या कूल। दोस्तों ये था हमारा प्रोजेक्ट, बिल्कुल हमने किया सक्सेसफुली विदाउट एनी प्रॉब्लम। वीडियो के बीच में हमारे पास बहुत इश्यूज आए। दोस्तों एक्चुअली मैं इंसान हूँ और इंसान से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि आपको एरर आए, मुझे एरर आए वीडियोस में और वो तमाम एरर्स मैंने सॉर्ट आउट किए, तो आपने भी देख लिया, तो ये आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा तो नहीं ख्याल कि अगर आपको बुरा लगे, आई डोंट नो, क्योंकि हर इंसान का एक अपना माइंडसेट होता है। अगर आपको इश्यूज हुआ हो मेरे एरर से सो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एरर्स को फाइंड आउट करना और फिर उसको सॉर्ट आउट करना एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल में अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और दोस्तों बस ये था हमारा सीरीज़, हमने ईमेल को सक्सेसफुली कन्फर्म किया, हमने ईमेल को यानी वेरीफाई किया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसके अलावा जो भी सीरीज आपको चाहिए पीएचपी में, जावास्क्रिप्ट में, और इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में काम करूँगा नोड जेएस तो अभी नहीं, क्या नाम है यार, रिएक्ट लेरावेल पे, ठीक है। मैंने आपको पहले सीरीज़ में भी कहा था कि मैं नेक्स्ट काम करूँगा रिएक्ट पे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस पे अभी काम करूँ, तो इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर्स में वो मेरे वो इरादे हैं कि मैं काम करूँ लेरावेल पे,
रिएक्ट पे, जावास्क्रिप्ट पे, वेबपैक वगैरह पे, ठीक है. सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज़.